नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। उसी कड़ी में एक और अपडेट आ रही है फिजिकल एजुकेशन टीचर की कुछ वैकेंसीज को लेके, मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसीज कहाँ से आ रही हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी पोस्टें हैं, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवरअप करने वाले हैं। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह की चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक हैं, तीनों के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कुछ एक स्कूल है भाई, और ये किस संस्था के स्कूल है हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये किस संस्था के स्कूल है और वैकेंसीज कहाँ से निकल के आ रही है। दरअसल ये स्कूल है भाई आपके, मैं बताऊं आपको तो ये स्कूल है आपके अटल आवासीय विद्यालय समिति भी, इनके ये स्कूल हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स की भी हम बात करेंगे, वैकेंसीज कितनी है उसकी भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स भी आपके आ जाएंगे भाई, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, ताकि वैकेंसीज कितनी है वो चीज आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्कूल हैं जी 18, और एक स्कूल में दो पीईटी की जरूरत है, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे टोटल हमारी पोस्टें हैं 36, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। उक्त विद्यालयों के लिए अध्यापक का चयन अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए शैक्षणिक स्तर 2023-24 हेतु किया जाना है। तत्संबंध में अध्यापक जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 1/7/2022 को 65 वर्ष से अधिक न हो, दिनांक 15/1/2023 की रात्रि 11:59 तक केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, ठीक है। तो टोटल आपकी 36 वैकेंसीज हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं भाई, मैंने आपको ऑफिशियल साइट भी बता दी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो, अगर आप एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। टीजीटी की हम बात करेंगे क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है वो देख लीजिए जी, ये स्पेशल क्राइटेरिया है, रिटायर्ड नवोदय सैनिक स्कूल टीचर्स केवीएस माध्यमिक, यहां से रिटायर्ड टीचर्स होने चाहिए भाई, रिटायर्ड या तो सैनिक स्कूल से या फिर केवीएस से या कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहां से आप रिटायर्ड हैं, और आप अप्लाई यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है 65 वर्ष तक आपकी यहाँ पे रहेगी, और सबसे छोटी एज के कैंडिडेट को ही यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। तो आप रिटायर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं भाई, और सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे मैंने बता दिया टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल की दो वैकेंसी प्रत्येक स्कूल के अंदर है, टोटल 36 वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हो आप। और एज लिमिट वगैरह सारी चीजें बता रखी हैं यहाँ पे, पूरा पढ़ोगे, एज मस्ट बी नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑन 1/7/2022, ओनली रिटायर्ड टीचर फ्रॉम नवोदय सैनिक स्कूल केवीएस और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स आपको सैलरी दी जाएगी 62,000 पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा जो टीचर्स अवार्डेड हैं उनको जो है मौका दिया जाएगा, गुड हेल्थ कंडीशन आपकी होनी चाहिए भाई, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, और ऑफिशियल साइट इनकी ये है भाई, ठीक है। आप इसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये ना पूछें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपने बीपीएड किया हो, आप जिस भी संस्था में रहे हो, जिस भी एजुकेशन के ऊपर आपने काम किया है, जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आप ऊपर आपने उस संस्था में काम किया था, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा तकलीफ दे जरूर है, अदरवाइज वैकेंसीज अच्छी हैं 36। अगर आपका नॉन कोई रिटायर्ड है तो आप उसके पास ये सूचना पहुंचा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी UPBOCW.in,
ये आपकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है, तो इसके ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन भी आपको उधर ही मिल जाएगा। तो आप जरूर यहाँ पे जो है अप्लाई करें, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं तो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।